हे दोस्तों, काफी लोगों को सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग का रियल मायने में डिफरेंस ही नहीं पता रहता। आज के इस वीडियो में मैं आपको सेविंग्स और इन्वेस्टिंग के लिए कुछ सिंपल एंड गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम नितिन घाड़गे, वेल्थ कोच और लाइफ कोच हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको 5 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जो आपको सेविंग्स करने से पहले और इन्वेस्टिंग करने से पहले बिल्कुल ध्यान में रखना है। मैं आपको माइंड मैपिंग थ्रू ये 5 सिंपल गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ। रूल नंबर 1, सेव फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, काफी लोगों का प्रॉब्लम होता है, सेव नहीं कर पाते, इन्वेस्ट नहीं कर पाते। रीजन, भी उनका इनकम आता है, पहली चीज वो करते हैं स्पेंडिंग, लाइफस्टाइल के ऊपर स्पेंड करना, हाउसहोल्ड थिंग्स के ऊपर स्पेंड करना, देन लायबिलिटीज में स्पेंड करना, उसके बाद कुछ बचता नहीं। तो रूल नंबर 1 काफी अच्छा गोल्डन रूल है, सेव फर्स्ट। ये सेव क्यों करना है? आपके फ्यूचर के लिए सेव करना है, और इसीलिए मैं ऑलवेज कहता हूं, जब भी आपका इनकम आता है तो आपको कुछ पैसा अलग से साइड में रखना है। देन योरसेल्फ, हाँ दोस्तों, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी आप कुछ पैसा साइड में रख सकते हो, बट ये कितना रखना है? अप्रोक्सीमेटली 10-30%। तो यहाँ पे मान ले हमने 20% सेव किया है जो आपका इनकम आया है। तो रूल नंबर 1, आपको पहले सेव करना है, और वो सेव करना है आपके फ्यूचर के लिए, वो सेव करना है आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए 20% करना है। रूल नंबर 2, क्रिएट डिफरेंट अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, ये 20% सेव करने के बाद आपके पास ऑलमोस्ट 80% जो बचता है वो अलग अलग आपके जो भी एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जाम्पल आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस, वहां पे आपको एक कैपिंग रखना है। 30% आप हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए आप रख सकते हो। उसके बाद लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के लिए और आप 10% रख सकते हो। यहाँ पे आपका जो भी करंट हाउस होल्ड है, एक्सपेंस है, लाइफस्टाइल है, अकॉर्डिंगली आपको ये बजट और ये नंबर सेट करने पड़ेंगे। 30% हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए, 10% लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के लिए, देन डिपेंडेंट एक्सपेंस आपके बच्चे हैं, बच्चों का स्कूलिंग है या कॉलेज का फीस है, या आपके ऊपर आपके पेरेंट्स भी डिपेंड है, तो ऐसे सिचुएशन में उनके लिए हमने ये अलग से रेशियो रखा है। डिपेंडेंट एक्सपेंस अप्रोक्सीमेटली 5% वहां पे आप सेट करके रख सकते हो। देन इंश्योरेंस प्रीमियम, जो भी आपका टर्म पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, डिफरेंट इंश्योरेंस है, आपका होम इंश्योरेंस है, उसके लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, उसके लिए भी आपको अलग से एक परसेंटेज सेट करना है, वो भी 5%। हाउस होल्ड में आपने 30% सेव किया है, देन लाइफस्टाइल के लिए आपने 10% अलग से रखा है, 40% यहाँ पे हो गया। डिपेंडेंट एक्सपेंस और इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 5%, 5%, ये 10% आपका हो चुका है। बाय द वे, ये कुछ स्टैंडर्ड नंबर्स नहीं है, आपको थोड़ा सा आपका एक्सपेंसेस को स्टडी करना है, अकॉर्डिंगली आपको एक नंबर आपको सेट करना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद आपके जो भी लोन्स है, लायबिलिटीज है, वहां पे आपको 30% से ज्यादा लायबिलिटीज नहीं लेना है। जो भी आपके होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, उसको आपको 30% के ऊपर नहीं लेके जाना है। सेकेंड जो मैंने रूल कहा आपको, वो रूल है आपको डिफरेंट अकाउंट क्रिएट करने हैं। कितना करना है मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर बताया है। रूल नंबर 3, सेट योर फाइनेंशियल गोल्स। ये आपका डिफरेंट परसेंटेज में आपने जो भी पैसा साइड में रखा है वो अप्रोक्सीमेटली 80% है, और इनिशियल आपने जो 20% सेव किया है, वो 20% के लिए आपको डिफरेंट आपके फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना है। पहले आप मेजरली आप देख सकते हैं, जो भी आपका एक मिडिल क्लास फैमिली का जो फाइनेंशियल गोल्स है, रिक्वायरमेंट है, उसमें उनके बच्चों का फ्यूचर, ये बच्चों के फ्यूचर के लिए आप पैसा आप साइड में इन्वेस्ट कर सकते हो, चाइल्ड मैरिज के लिए आप कर सकते हो, या आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, ये भी एक गोल हो गया। हाउस परचेस, आपको घर लेना है, गाड़ी लेना है, ऐसे जो 4 या 5 जो मेजर गोल्स है, इनिशियल आपको मेजर गोल्स के ऊपर आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मेजर गोल सेट होने के बाद आपके छोटे छोटे जो गोल्स है, शॉर्ट टर्म गोल्स है, मीडियम टर्म गोल्स है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। रूल नंबर 3, सेट योर फाइनेंशियल गोल्स। रूल नंबर 4, मैनेज योर रिस्क। काफी टाइम ऐसे होता है हमारे पास पैसा तो बचता है, हम लोग सेव करते हैं, बट ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं।
तो ऐसे सिचुएशन में आपको आपका रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेज करने के लिए पहली चीज आपको करनी है, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे आपका हार्ड अर्न मनी है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, इनिशियल आप जब भी इन्वेस्ट करते हो 100 रुपीज आपको पूरा का पूरा रिस्की एसेट क्लास में, जैसे स्टॉक मार्केट या रियल इस्टेट, जहाँ पे रिस्क मैक्सिमाइज है वहां पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके लिए आपको प्रोटेक्ट करना है पैसे को, आपको डिफरेंट डिफरेंट आपके एसेट क्लास को पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा पैसा आपको एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। मैनेज योर मनी, यस डेफिनेटली, काफी लोग पैसा तो कमाते हैं बट उसका मैनेजमेंट या बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी अंडरस्टैंड नहीं करते, तो ये आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी आपका जब भी आप इंक्रीज करते हो तो धीरे धीरे आपको उसमें इंटरेस्ट आता है। और थर्ड चीज जो है वो आपको करनी है, मल्टीप्लाई योर मनी। यस दोस्तों, जैसे ही आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप सीखते हो, उसके ऊपर काम करते हो, रेगुलर टाइम इन्वेस्ट करते हो, और धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन भी आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन से एसेट क्लास में आपको मल्टीप्लिकेशन आपका मैक्सिमाइज होता है, वहां पर रिस्क कितना है, आप कितना रिस्क आपका लेना है। रूल नंबर 4, मैनेज योर रिस्क। अगेन लास्ट रूल जो है, इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 5। काफी लोग इस रूल को ध्यान में नहीं रखते हैं। बाय द वे, पांचों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बट रूल नंबर 5, लर्न एसेट क्लास। डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अकॉर्डिंगली आपका जो भी रिस्क प्रोफाइलिंग है, जितना आपको रिस्क लेना है, जहां पे रिस्क नहीं लेना है, ये हिसाब से आपको आपका एसेट क्लास पहले अंडरस्टैंड करना है। डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में लिक्विड एसेट क्लास है, डेट एसेट क्लास है, इक्विटी एज एन एसेट क्लास है, जैसे रियल एस्टेट एक एसेट क्लास है, और गोल्ड एक एसेट क्लास है। सो ब्रॉडली देखा जाएगा ये 5 एसेट क्लास है, जहाँ पे लिक्विड में आप सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा आपका कुछ रख सकते हो, डेट एसेट क्लास में आप बैंक फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड भी है वहां पे भी आप रख सकते हो। ये डेट म्यूचुअल फंड के ऊपर हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि डेट म्यूचुअल फंड में भी कौन से कैटेगरीज होते हैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। रियल इस्टेट एक ऑप्शन है, रियल इस्टेट में भी अगर आपके पास बहुत बड़ा पैसा है तो आपको रिस्क आपका देखना है, कितना आपको रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना है, अकॉर्डिंगली आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड एज एन एक एसेट क्लास है, ये सारे एसेट क्लास को पहले आपको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा पैसा हर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने देखा ऐसे आप आपका सेविंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग में ये 5 गोल्डन रूल्स एप्लीकेबल करके आपके फाइनेंशियल लाइफ में मेजर सक्सेस ला सकते हो, वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। मैं अगेन समराइज कर रहा हूँ। पहला रूल है, आपको पहले सेव करना है, जो भी आपका इनकम आता है उसमें से 20% सेव करना है। सेकेंड रूल, आपको डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट क्रिएट करने हैं, आपका एक्सपेंस अकाउंट रहेगा, उस एक्सपेंस अकाउंट में अप्रोक्सीमेटली 70-80% आपका चला जाएगा। रूल नंबर 3, सेट करने हैं आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपके जो मेजर फाइनेंशियल गोल्स है उसको पहले सेट करो। रूल नंबर 4, आपको आपका रिस्क मैनेज करना है, जो भी आपका पैसा हार्ड अर्न मनी है उसको प्रोटेक्ट करना सीखना है आपको, और डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास को पहले लर्न करना है, ये रूल नंबर 5 है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको 5 सिंपल गोल्डन रूल्स बताए, जो आप इम्प्लीमेंट करोगे ओवर द पीरियड आपके फाइनेंशियल लाइफ में सक्सेस आप अचीव कर सकते हो। लास्ट 11 साल में ये बेसिक फंडामेंटल रूल्स मैंने मेरे लाइफ में एज वेल एज हमारे क्लाइंट के लाइफ में इम्प्लीमेंट किए हैं, और उसका रिजल्ट उनके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम उन्होंने अचीव किया है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, और लाइक कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे ही मैं आपको पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग वीडियो आपके लिए बना सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं, सो दैट आपका भी फाइनेंशियल नॉलेज डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों, आपके लिए